नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में करीबन 43,400 के आसपास हमको या 350 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर एक्सपेक्ट किया था कि शायद हमको एक अच्छा ऊपर का तरफ शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, लेकिन उतनी शॉर्ट कवरिंग हमको मिली नहीं और ऊपर से प्रेशर आ गया। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ये हाई इम्पोर्टेंट बन जाता है, जैसे कि ये हाई इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये हाई के ऊपर का 25% बोलेगा तो एक अंदाज से यही लेवल आ जाता है, 43,600 के आसपास एक लेवल आ जाता है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशल लेवल था, 580-600 के आसपास मैंने जो बोला था, 580, कि ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, करीबन ये जोन रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, तो वहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये जोन में घुसेगा, लेकिन एक्चुअली मूवमेंट वहां तक गई नहीं और वहां से ही नीचे प्रेशर आया और थोड़ा सा नीचे आ गया। अब जैसे कि मैंने आज एक एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैं कुछ कंडीशंस बताता हूँ, लेकिन वो कंडीशंस कभी कभी फुलफिल नहीं होती है तो फिर मार्केट अलग काम करता है। तो मैं आज थोड़ा सा स्पेशली थोड़ा सा कंडीशंस आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क होगा। अभी जैसे कि कल का क्लोज जो है वो 42,827 में हुआ है, तो अभी कल क्या हो सकता है? तो एक्चुअली जैसे कि यहाँ पे अगर मूवमेंट 1.75 के यहाँ पे गई है, आप देखेंगे मैंने ये जो हाई लो डाला हुआ है वो कांस्टेंट रखा हुआ है और वहां से हम लोग आगे एक्सपेक्ट करें। अभी जैसे यहां से जब 2.5 के ऊपर निकल गई है मूवमेंट और बाय सिग्नल जो है अराउंड यहाँ पे जनरेट हुआ था, 42,665 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट हुआ था और वो जब तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक ये 42,437 या 430 का लेवल इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये लेवल तो अचीव किया है 1.75, अभी कोई भी हाल में 4.25 जो है ये लेवल यहाँ पे टूटनी नहीं चाहिए। टूटनी नहीं चाहिए का मतलब क्या है कि ये एक लो बना हुआ है, ये एक लो बना हुआ है, तो ये हायर लो बना हुआ है, तीसरा लो जो रहेगा ये हमको ये जोन में कहीं पे बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 42,665 के नीचे ही नहीं जाएगा, एक 15-20 पॉइंट, 30-40 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, थोड़ा इसके नीचे जाके वहां से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जोन है यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर एक चीज ये है कि इसके नीचे अगर क्लोज होके नीचे जा रही है मूवमेंट, तो फाइनल सपोर्ट हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, जो ये लो जो है, ये लो 400 एंड, अभी एक मिनट, ये लो अराउंड हमको, एटी के आसपास बना हुआ है, तो आप 370 का पॉइंट जो है वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है तो ये लो जो है इसके नीचे आप 350 पकड़ लीजिए, कि 42,350 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिसके नीचे जाएगा बैंक निफ्टी तो ही हमको सेल की मूवमेंट मिलेगी, लेकिन तब तक हम लोग बाय देख सकते हैं। तो बाय की साइड अगर कल कोई कारणवश नीचे ओपन हुई बैंक निफ्टी, तो हम बैंक निफ्टी ओपन नीचे हुई ये कंडीशन में, एक चीज अगर 42,665 के आसपास अगर ओपन हुई और यहां पे सपोर्ट लेते हुए ये दिखाई दी, तो हम लोग यहां पे बाय कर सकते हैं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। अगर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ये नीचे जाई गई और स्टॉप लॉस ब्रेक किया, तो फिर फाइनल हम लोग 400 के आसपास या 430 के आसपास बाय कर सकते हैं और 350 का एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर आ जावे। तो यहाँ से एक्चुअली यहाँ से नीचे अगर जाती है, मेरे हिसाब से अगर यहाँ से नीचे जाती है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये यहाँ से 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर बैंक निफ्टी टूटती है, तो यहाँ पे आने के बाद बाय करना थोड़ा सा डेंजरस रहेगा। मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे आने के बाद अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे बाय करना ज्यादा बेटर रहेगा, जो लेवल हमको फिर आगे
ले जा सकती है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा सपोर्ट का राह देखिए और यहाँ पे बाय करना बेटर रहेगा, बल्कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये प्रेशर वाला जोन है, यहाँ पे आप बाय करेंगे ये स्टॉप लॉस से तो ये टूटने का चांसेस भी रहेगा क्योंकि प्रेशर दिखेगा। अगर कल यहाँ पे बाय करके अगर ये ऊपर की तरफ निकल गई तो हमको ये लेवल के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है जो ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, एक सिनारियो हो गया। अगर कल मोमेंटम, कल कोई भी कारणवश अगर बैंक निफ्टी यही लेवल पे ओपन हुई और ऊपर की तरफ निकल गई तो 43,121 के ऊपर हमको एक अच्छी मोमेंटम दिखाई देगी जो हमको 43,578 और 43,350 के आसपास लेके जा सकती है। तो यहाँ पे अगर समझो आपको अभी आज तो नीचे ये लेवल के 42,893 के ऊपर नीचे बंद हुई है, लेकिन समझो कल 42,900 के ऊपर कहीं पे निफ्टी खेलते हुए दिखी तो आप ये जो लो है, ये लो का स्टॉप लॉस या इसके नीचे जो भी है 10-20 पॉइंट नीचे रखे स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। तीसरी बात, अगर ओपन यहाँ पे हुई और ऊपर की तरफ निकल गई तो यहाँ पे आप 43,121 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आपको फिर 43,121 के ऊपर गई तो आपको स्टॉप लॉस जो है 42,900 का ही आएगा, फिर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है जो हमको 578 के आसपास लेके जा सकता है। अगर सेल करना हो तो सेल प्रिफरेबली ये लेवल टूटने के बाद ही करेंगे तो आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगी। अगर मॉर्निंग में ओपन यहाँ पे हुआ और सेल ये 43,900 के ऊपर नहीं जा रही है तो आप ये लेवल का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हो। इन दैट केस आपको टारगेट जो रहेगा ये 42,665 के आसपास, 42,650 का भी स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट रह सकता है। और वहां से अगर वीकनेस ज़्यादा दिखाई दिया तो 42,400 के आसपास भी जा सकती है और ये लेवल के नीचे हमको एक अच्छा सेल ऑफ भी दिख सकता है। तो मेन लेवल अपना 42,650 और ये जोन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की साइड में यहाँ से 2,580 के आसपास आपको कोई भी हाल में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो ऊपर की साइड में जैसे ही ये निफ्टी आएगी तो आपको वहाँ पे सेल करना है और उसके बाद फिर अगर मोमेंटम ज़्यादा दिखे तो हमको फिर आगे ट्राई करना है। तो और एक चीज़ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये हाई और ये लो का अगर हम लोग 1.25 का मोमेंट दिखते हैं तो यहाँ पे आपको 42,725 का लेवल दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई भी मोमेंटम ऊपर की तरफ आती है तो 43,600 और 43,700 ये मजबूत रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। यहाँ पे आपको कोई भी हाल में आपकी बाइंग पोजीशन को भी छोड़ना है और यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे, इन दैट केस 43,850 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन मिलेगा, अगर कोई भी कारणवश आपको यहाँ पे मिली तो बैंक निफ्टी आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बैंक निफ्टी का बताया, अभी निफ्टी का बता देता हूं। निफ्टी में जैसा कि कल मैंने क्लियर कट बताया था कि 19,220 के आसपास या 230 के आसपास आपको सेलिंग करनी है, सॉरी बाइंग पोजीशन में छोड़ देना है। मैंने आपको 270 तक का टारगेट दिया था लेकिन वहां तक निफ्टी गई नहीं क्योंकि ये जो मेन लेवल है यहाँ पे जो निफ्टी का मेन लो था 228 का था, वहां तक ही बैंक निफ्टी ने छलांग लगाई और 228 के आसपास ही टॉप बना के नीचे की तरफ आई है। तो ये एक क्लियर कट उसने ये जो लेवल थी, मतलब आप देखेंगे ये जो मल्टीपल लो बने थे यहाँ पे, इसका परफेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये निफ्टी क्रॉस नहीं करेगी ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम मिलने वाली नहीं है। 228 का लेवल जो है हर्डल की तरह यूज होएगा। अभी कल अगर सॉरी
कल अगर हमको निफ्टी नीचे की तरफ मिलती है, 18,950 के आसपास निफ्टी अगर मिलती है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बाय जोन रहेगा, और यहाँ पे आप 18,900 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। ये जो है एक्चुअली स्टॉप लॉस के जैसा काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो ये हाई लो का 25% नीचे अगर हम लोग देखते हैं, तो एग्जैक्ट मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे काम होगा। एक मिनट, अगर बैंक निफ्टी आपको 18,900 निफ्टी अगर आपको 18,950 के आसपास मिलती है, तो आपको 18,880 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम करना चाहिए, जो परफेक्ट काम करेगा। 18,870 ये जो लेवल है, ये हाई अगर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो 18,880 आएगा। मतलब 18,870 और 80 के बीच में स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो ये लेवल पे। लेने के बाद 920-30 अगर 940 के आसपास अगर आती है तो हमको यहाँ पे लेना चाहिए। अगेन मैं वही बोलूँगा कि यहाँ पे हाइयर लो बनते जा रहा है, तीसरा लो इसके नीचे नहीं बनना चाहिए, अराउंड यही जोन में कहीं पे अगर आता है तो बाय करना चाहिए, और ऊपर की तरफ जाते वक्त हमको ये हाई क्रॉस होने का फुल चांसेस रह सकता है, फिर ऊपर की तरफ हमको ये लेवल का टारगेट मिलेगा। वो जो लेवल है वो आपको टारगेट 19,334 का रहेगा। तो अल्टीमेट टारगेट फिलहाल तो ये रहेगा 19,334, नीचे के साइड में ये सपोर्ट रहेगा। अगर कल कोई कारणवश यहाँ पे आती है तो आपको यहाँ पे बाय करना है, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर यहाँ पे ही ये बाय होके कल 19,075-19,090 के ऊपर ओपन हुई यहाँ पे, तो आपको यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है, फॉर द टारगेट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नया लो बनने का प्रोसेस रहेगा। उसके लिए कंडीशन ये रहेगा कि ये हाई क्रॉस होना चाहिए। अगर एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए ये जो हाई है ये हाई के ऊपर ही बाय होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन समझो ये लेवल को होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो हमको 19,050 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर कोई कारणवश यहाँ से ही घूम गई तो 19,050 के ऊपर ही बाय करना ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर आपको इन दैट केस ये लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करेंगे। ये लेवल के ऊपर बाय कर लेना, ये लेवल का स्टॉप लॉस लगा देना अगर नीचे खुल के ऊपर जाती है तो। इन दैट केस आपका टारगेट जो रहेगा वो ये फर्स्ट टारगेट 19,220 के आसपास रहेगा, सेकेंड टारगेट 19,350 के आसपास रहेगा। अगर कोई कारणवश ऊपर की तरफ यहाँ पे ओपन हुई, देखिए अगर हमको अच्छा कोई ग्लोबल मूवमेंट है और ऊपर की तरफ ओपन हुई, तो यहाँ पे आप अगेन एक सेलिंग का काम कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ये आपको ऑन मार्केट आपको डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट जाती है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलने का फुल चांसेस रहेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल और कंडीशन मैंने आपको बताया है, इस हिसाब से मैं थोड़ा सा तेजी में हूँ। अनटिल एंड अनलेस जब तक निफ्टी 18,900 या 980 जब तक नहीं टूटती है, तब तक निफ्टी में हमको सेलिंग नहीं करना है, ऊपर की तरफ बाइंग के लिए देखना है। 228 से लेके 250 तक का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो क्रॉस करेगा तो हमको 350 और 450 तक की मूवमेंट मिल सकती है, फिर आगे जो होगा हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।